क्लास एट, आज का हमारा चैप्टर है 21 जो चल रहा था, जिसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास जा चुकी है। और आज हमारा बुक वर्क हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 145। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइएगा। इसमें क्या करना है हमने, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कृष्ण ने गीता का उपदेश देता है। वाक्य सही लग रहा है आपको? नहीं है, ये इसमें क्या मिस्टेक है सुनिएगा। इसका वाक्य बनेगा, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। राम ने सामान खरीदा है, राम सामान खरीद रहा है। यहाँ ने जो है वो हमारा छिपा हुआ वर्ड है। रमा आती ही होगी, रमा इसमें है लगा दिया गया है जो कि एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको क्लियर करने के लिए हम कहेंगे रमा आती ही होगी। नेक्स्ट है, संध्या तक वर्षा होने का होगी। इसका सही वाक्य बनेगा, शायद संध्या होने तक वर्षा हो जाए। आप इस बुक वर्क को जब आपको पिक्चर में भेज दी जाएगी तो आप उसको अपनी बुक में प्रॉपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि इनमें प्रयुक्त क्रिया किस काल का बोध कराती है। इसका सही उत्तर पर टिक लगाना है, वह मैदान में दौड़ रहा है। कौन सा काल है दौड़ रहा है? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में आएगा। हम परसों यहाँ से चले जाएंगे, जाने भविष्य की बात की जा रही है, भविष्य काल है। थर्ड बॉक्स में टिक लगेगा। वह बोला कुछ नहीं, बात हो चुकी तो ये भूतकाल है। सुरम्या ने अवश्य गीत गाया होगा, बात हो चुकी होगी, आगे होने वाली नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके लिए भी हमारा भूतकाल में टिक लगेगा सेकंड बॉक्स में। आगे, विनोद शांति से काम लेता तो लड़ाई ना होती, बात ये भी बीत चुकी है, लड़ाई हो चुकी है, तो ये भी हमारा भूतकाल का टेंस बन रहा है, वाक्य बन रहा है। अगला है, मैंने मेहनत की है पहले कर्त बात हो चुकी है, इसका मतलब ये हमारा भूतकाल का वाक्य है। शायद मैं आ जाऊँ भविष्य की बात है, आने वाले टाइम की बात है, तो क्या होगा, भूत भविष्य काल में आएगा। थर्ड बॉक्स में टिक लगाएंगे। अगला है, मोहन खेल रहा था अभी खेल कर खत्म नहीं हुआ था, तो ये हमारा सेंटेंस बात पूरी नहीं हुई है, अपूर्ण भूतकाल में है। वह पढ़ कर गया है, काम पूरा करके चला गया है, तो यह आसन्न भूतकाल। वह आता होगा श्योर नहीं है, आता होगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन बात कही गई है, तो ये हमारा संदिग्ध भूतकाल में वर्तमान काल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपको पीछे से सेंटेंस देखकर उनकी बेस पर अपनी प्रैक्टिस के लिए इस वर्क को बुक में करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइएगा, पेज टर्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या करना है, वाक्य में दिए गए क्रियापदों को वर्तमान, भूत और भविष्य जैसा जैसा कहा गया वैसे हमें बदलने हैं, रूपांतरित करने अर्थात बदलने हैं। क पार्ट है, रमेश गीत गाता था तब हमारा ये भूतकाल बन जाता है। ख पार्ट में, कृष्ण ने राधा को बांसुरी सुनाई, किसने करना चाहिए, जिसको भविष्य काल में, राधा कृष्ण राधा को बांसुरी सुनाएंगे। ग पार्ट है, नीरजा अपने घर जाती है वर्तमान में हमारा सेंटेंस ये बनेगा। तो ये बेटा आपका वर्क बुक वर्क था, इसे आप बुक वर्क में प्रॉपर कर लेंगे जब आपके पास इसकी पिक आ जाएगी। ओके बेटा, बाय।